संकट में भगवानों के कपाट जरूर बंद, लेकिन उनके भक्त आज भी काम में लगे हुए हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस कार्य की हर तरफ चर्चा हो रही। दरअसल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मिसाल पेश की। वैष्णो देवी में काम करने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, जो इस वक्त रमजान के महीने में रोजे भी रख रहे हैं। इन गरीब लोगों के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पिछले एक महीने से रोज सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कर रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच कटरा स्थित आशीर्वाद भवन को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया है। यहाँ रह रहे अधिकतर लोग मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने रमजान में रोजा रखा हुआ था। ऐसे में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बोर्ड ने उनके लिए हर रोज सहरी और इफ्तारी का खास प्रबंध किया है। रमजान के इस पावन पर्व में श्राइन बोर्ड के लोग लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहे। क्वारंटीन किए गए 500 मुस्लिमों को पर्व में कोई बाधा ना आए, इसलिए उन्हें सहरी और इफ्तारी के वक्त खाना दिया जा रहा है। जहां एक और भारत के मुसलमान भी लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में फंसे हुए हैं। कई लोगों के लिए रमजान परिवार और अपनों के बीच जाने का समय, लेकिन ऐसे में महामारी ने सब कुछ थाम सा लिया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस निर्णय की हर तरफ तारीफ हो रही। बता दें श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ सबसे प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, और आम दिनों में 25,000 लोग यहां हर दिन पहुंचते हैं, तो वहीं खास दिनों में ये संख्या लाख तक होती है।